ड्राई स्किन की प्रॉब्लम विंटर में बहुत ज़्यादा होती है, बट समर में भी कहीं कहीं पे बहुत होती है जहाँ पे ड्राई वेदर होता है। कहीं कहीं पे समर टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से किसी किसी की ड्राई स्किन जो है वो ठीक रहती है, बट जहाँ पे ड्राई वेदर होता है वहाँ पे ड्राई स्किन की तो धज्जियाँ उड़ जाती है। हाय एवरीवन, सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्राई स्किन के लिए कुछ होम रेमेडीज, एंड इस वीडियो के आखिर में आपके लिए होगा कुछ टिप्स ड्राई स्किन के लिए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टाइम स्टैम्प्स चूज कर सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडीज देखना है, यू कैन जंप इनटू होम रेमेडीज, तो वीडियो सीधा होम रेमेडीज में आपका चला जाएगा। अगर आपको टिप्स देखने हैं तो आप वहां पे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई स्किन टाइप के बारे में अच्छे से जानना है, डिटेल्स में जानना है, जैसे कि क्या होता है, कैसे ड्राई हो जाती है स्किन, देन क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तब आप मेरा एक और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेकआउट दैट लिंक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द होम रेमेडीज। सो पहला होम रेमेडी है हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है और एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो कि आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है जेंटली और आपके स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी रखता है। ऑल्सो हनी एक नेचुरल फेस क्लेंजर है, तो अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है, तब आप हनी से ही अपना फेस को वॉश कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने फेस में अप्लाई करना है हनी, उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट रख दें अपने फेस पे, उसके बाद नॉर्मल या कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है उसमें आप कर्ड यानी कि दही, रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध या फिर मिल्क क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक जो आप ले रहे हैं इसको अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक इसे रहने दीजिए अपने फेस में, और ड्राई होने के बाद अपना फेस नॉर्मल या कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। थर्ड जो होम रेमेडी है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा लीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलोवेरा लीफ यूज़ कर रही हूँ। इससे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसे आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ ये एज अ मॉइस्चराइज़र या एज अ सीरम आपके फेस में एक्ट करेगा। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा लीफ लगाने के बाद आपको दिन में बाहर नहीं निकलना है, बिकॉज़ इससे आपकी जो स्किन है वो बर्न हो सकती है, जल सकती है। तो एलोवेरा सिर्फ नाइट में अप्लाई करें, या फिर अगर आप दिन में अप्लाई कर रहे हैं तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वो ऑप्शनल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। वो है एवोकाडो। एवोकाडो इज़ ऑल्सो नोन एज बटर फ्रूट इन सम एरियाज। तो एवोकाडो जो है वो नेचुरल एक बटर है जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल मॉइस्चराइज एंड स्मूथ एंड सफल रहती है। इसको एक स्मूथ पेस्ट बना के आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। सो एवोकाडो बहुत कॉस्टली आता है, सो अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं देन ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अभी जो मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए या तो कोकोनट ऑयल, या तो आमंड ऑयल, या फिर विटामिन ई ऑयल। ऑलिव ऑयल है आपके पास तो आप ऑलिव ऑयल ही ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक ऑयल आपको अपने फेस में मसाज करना है, और ऑयल सिर्फ आपको नाइट टाइम में यूज़ करना है, डे टाइम में ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो नाइट टाइम में सोने से पहले आपको अच्छे से अपने फेस में ऑयल मसाज करना है। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल मसाज कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल मसाज करने के बाद, या कोई भी ऑयल आपकी चॉइस से मसाज करने के बाद, आप इसे या तो छोड़ सकते हैं ओवरनाइट के लिए। अगर आपके फेस में ऑयल ज़्यादा हो गया है देन आप एक वेट टावल यानी गीला कपड़ा से आप अपना फेस जो है वो वाइप ऑफ कर सकते हैं। इससे आपका स्किन जो है वो बहुत ही मॉइस्चराइज रहेगा। अगले दिन सुबह आपकी जो ड्राई स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी एंड ग्लोइंग भी हो जाएगी। और दिन में ऑयलिंग करके बाहर नहीं निकलना है। दिन में ऑयल लगाने से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो आपके फेस में पड़ेगा और आपकी जो फेस है वो डल हो जाएगी, टैंड हो जाएगा, यहाँ तक कि सन बर्न होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए डे में बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इसे सिर्फ नाइट में यूज़ करना है। सो होम रेमेडीज़ के बाद अब आती है टिप्स की बारी। सो ड्राई स्किन के लिए मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। सो सबसे पहला टिप है,
एक जेंटल फेस वॉश यूज़ करना। मैंने जो वीडियो का लिंक दिया था अभी मैं फिर से दे दूँगी उसका लिंक, उस वीडियो में जाके आप प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से जेंटल क्लेंजर्स बताए हैं, जेंटल फेस वॉश बताए हैं ड्राई स्किन के लिए, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश आपको सिर्फ 10 से 20 सेकेंड ही आपको मसाज करना है अपने फेस में, उससे ज़्यादा नहीं। और पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार आपको फेस वॉश लगाना है, आपको ये नहीं कि दो बार लगाना है कि तीन बार आपको फेस वॉश करना, उससे आपकी जो स्किन है वो और भी ड्राई हो जाएंगी। इसीलिए सिर्फ एक ही बार दिन में आपको यूज़ करना है फेस वॉश। नेक्स्ट जो टिप है वो है फेस स्क्रब के लिए। फेस स्क्रब जो लगाते हैं वो एवरी डे या ऑल्टरनेट डे नहीं लगाना है, बिकॉज ड्राई स्किन में अगर आप एवरी टाइम फेस स्क्रब करेंगे तब आपकी जो स्किन है वो इरिटेटेड हो जाएगी। तो आपको दो हफ्ते में यानी 2 वीक्स में सिर्फ एक बार आपको फेस को स्क्रब करना है, अदरवाइज आप बिल्कुल फेस को स्क्रब नहीं करेंगे। वैसे भी आप होम रेमेडी में जो हनी यूज़ कर रहे हैं वो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, तो उससे आपका डेली एक्सफोलिएट होता रहेगा, जिससे कि आपकी जो डेड स्किन सेल्स है वो कम जनरेट होगी, तो आपको फेस स्क्रब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार। और तीसरा टिप जो है, जिनको गर्म पानी से बहुत ज़्यादा नहाना अच्छा लगता है उनके लिए बताऊंगी, प्लीज़ अपने फेस पे एटलीस्ट गर्म पानी यूज़ ना करो। आप चाहे तो बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने फेस पे बिल्कुल मत यूज़ करो गर्म पानी, बिकॉज आपका जो फेस का स्किन है वो ज़्यादा डेलिकेट होता है एज़ कम्पेयर टू योर बॉडी स्किन। इसलिए फेस पे सिर्फ नॉर्मल वाटर या फिर कोल्ड वाटर से ही वॉश करें, अदरवाइज आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। चौथा टिप ये है, जिनको स्टीम लेना, फेस स्टीम, रेगुलर फेस स्टीम लेना पसंद है, वो लोग एवरीडे स्टीम ना लें, सिर्फ हफ्ते में एक बार स्टीम लेने से ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्टीम नहीं लेना है, बिकॉज स्टीम लेने से भी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। इसीलिए फेस स्टीम अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ हफ्ते में एक बार। पांचवा टिप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बाहर जा रहे हैं दिन में देन प्लीज़ सनस्क्रीन अप्लाई करके जाइए, बिकॉज ड्राई स्किन वालों की अगर सनबर्न हो जाती है तो फ्लेकी सनबर्न होने से वैसे भी स्किन जो है वो बहुत फ्लेकी हो जाता है, स्किन जो है वो निकलने लगती है, और जिनकी ड्राई स्किन है उनकी स्किन और ज़्यादा इफेक्टेड होती है सनबर्न से। इसलिए सनस्क्रीन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो लास्ट टिप बताऊंगी वो मैं हमेशा बताती हूँ अपने वीडियोस में, खूब सारा पानी पीना है, बिकॉज ड्राई स्किन है आपकी तो स्किन को बाहर से ही सब कुछ नहीं, इंटरनली भी आपको हाइड्रेटेड रखना है, इसलिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये ड्राई स्किन का जो रूटीन है आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो टिप्स और होम रेमेडीज़ है वो आप एवरी डे आप इसे फॉलो कर सकते हैं, समर हो या विंटर हो कभी भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं देन प्लीज़ जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। एंड आज मैं जिनका नाम लूँगी अपने वीडियो में वो है रुबीना पाल। थैंक यू सो मच रुबीना फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।